रमेश जी, इस मैच में मुजीब को नहीं खिलाया गया और उनके जगह पे हामिद हसन को खिलाया गया। काफी वक्त के बाद हामिद हसन ने वापसी की। क्या आप अचरज में थे जब उनको लेके आए थे 11 में? नहीं, टीम का स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है। हामिद इज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर आई हैव सीन। अगर आप उनकी स्टैट्स देखोगे पहले से ना, उसका वही एक बंदा है पूरी टीम में जो आपको बोल के 6 के 6 यॉर्कर डाल सकता है। तो शायद अफगानिस्तान को ये पता है कि अगर उनको डेथ में कोई बॉलर चाहिए, मेरे ख्याल से दे मेड अ वेरी गुड चॉइस। और मुजीब का ना खेलना, आप उससे थोड़ा अचरज में थे? करीम जन्नत को फिर से मौका दिया गया था, मुजीब का ना खेलना, उन्होंने क्या किया है, एक बेसिक स्ट्रेटेजी यूज किया है कि ये जो टीम है उनके हिसाब से नॉट वन ऑफ द बेस्ट टीम्स, तो अगर उन्हें कुछ ट्राई करना है तो यही बेस्ट समय होगा। और फिर मे बी अगले गेम में अगर आप देखोगे तो वो क्या करेंगे, करीम जन्नत को शायद रिप्लेस कर देंगे, वापस से दे विल कम बैक टू द सेम बॉलर। जी जी उमेश जी, मैं यही पूछने वाला था कि भारत के मैच के पूर्व क्या ये उनकी तैयारी है, अलग अलग गेंदबाजों को ट्रायल पे ले रहे हैं? बिल्कुल, उनको वो जो कॉन्फिडेंस चाहिए था कि अगर हामिद को उन्हें यूज करना है अच्छी टीम्स के अगेंस्ट, तो आप हमेशा ये करोगे कि उनको उनके साथ खिलाओगे जहां पे उनको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। और करीम जन्नत अगेन, उनको एक चांस देना बहुत जरूरी है ताकि वो उनका मोरल बनाए रखे। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी यूज किया है उनके पूरे कोचिंग स्टाफ ने।